सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तनिष्क गेमिंग की बिल्कुल नई वीडियो में। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे और हमारा आज का वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर के न्यू कॉल बैक इवेंट के बारे में। कॉल बैक इवेंट अपन को कैसे कम्प्लीट करना है एंड कैसे गाइस अपन को ये वाला बंडल जो है बिल्कुल ही फ्री में मिल सकता है एंड इसके साथ ये हेलोवीन का जो फेस है वो कैसे मिल सकता है, ये आपको इस वीडियो में कन्फर्म यहाँ पर बता देंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखते रहिएगा। एंड हाँ, जो भी बंदा चैनल पर नया है, प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। तो चले गए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात कर लेते हैं दिवाली कॉल बैक फ्रेंड्स के बारे में। यहाँ पे गए जो हमारा कॉल बैक इवेंट है ये चलने वाला है 14 से लेकर के 16 नवंबर के बीच में। यहाँ पे गए अपन को क्या करना होता है, अपन को अपने जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं जो फ्री फायर छोड़कर चले जाते हैं उनको यहाँ पे कॉल बैक करके बुलाना होता है, जो कि अपने फेसबुक फ्रेंड या फिर भाई गूगल फ्रेंड वगैरह होते हैं। तो मेरे हिसाब से गूगल वगैरह तो नहीं होता, लेकिन गए फेसबुक फ्रेंड को जो आप इन्वाइट कर सकते हो एंड बुला सकते हो। तो कैसे अपन को करना है सब कुछ आपको यहाँ पे बता देते हैं सिंपली। ठीक, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद अपन को गो टू का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा, तो गो टू पे आप लोग क्लिक कर पाओगे। उसके बाद गए अपन को यहाँ पे बताया गया है कि आपको जाना है फ्रेंड लिस्ट में, वहां पे जाकर के आपको करना है भाई कॉल बैक। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट में भाई अभी कॉल बैक का कोई सेक्शन ऐड नहीं किया गया है, आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स दिया गया है, ऐड दिया गया है और फॉलोइंग भी दिया गया है। तो गाइज, अभी थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पे कॉल बैक का एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वो सेक्शन कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे अपन को जो दिखाया जाएगा, आप सब यहाँ पे ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये पुराना कॉल बैक इवेंट का मैं आपको फोटो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पे एक फ्रेंड को अगर आप कॉल बैक करोगे तो आपको यहाँ पे वाउचर वगैरह मिलते हैं, दूसरे को करते हो तो आपको कुछ और मिलता है, एंड अगर आप सारे बंदों को यहाँ पे कर देते हो, यानी कि मतलब टारगेट रहता है 10 बंदों को अगर आप लोग कॉल बैक करते हो, तो आपको ये जो बंडल मैंने आपको दिखाया है वो बंडल आपको यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में मिल जाता है। तो कॉल बैक आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग कॉल बैक पे क्लिक करोगे गाइस, आप लोग पहुँच जाओगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स पे। उसके बाद गाइस, जब कॉल बैक इवेंट यहाँ पे शो होने लगेगा तब आपको यहाँ पे कॉल बैक का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये लिंक आप लोग देख पा रहे होंगे इसको कॉपी कर लेना है एंड आपके ये जो बंदा है इसका नाम देख लेना भाई, इसका नाम क्या है, एंड फेसबुक में जाकर के इस बंदे से कॉन्टैक्ट करना भाई कि आप जो है इंस्टॉल कर लो थोड़ी देर के लिए फ्री फायर एंड एक गेम खेल लो हमारे साथ। तो गाइस, आपकी लिंक से अगर ये बंदा जो है मतलब ज्वाइन करता है आपका स्क्वाड, तो गाइस अपन का जो है एक कॉल बैक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एंड मैक्सिमम कॉल बैक आप लोग यहाँ पे 10 से 12 कर पाते हो। ठीक है, एंड एक मिनिमम बात, आपका जो पुराना आईडी है जो फेसबुक से आप लोग कनेक्ट करके रखे हो वो आईडी भी आप लोग कर सकते हो, जो आईडी आप लोग 7 दिन पहले से बंद करके रखे हो उनमें भी कॉल बैक हो जाता है। ये बात मेरी ध्यान से समझ लेना, अच्छे से ध्यान में रखना गाइस। ठीक है, तो मेरे पुराना आईडी है लेकिन गाइस मेरे पास अभी फेसबुक में मैंने ऐड करके नहीं रखा हुआ है उस आईडी को, तो भाई फेसबुक से बनाया ही नहीं इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ। तो आप लोग ज़रूर से जो है आपका फेसबुक आईडी कनेक्ट करके रख लेना एंड जो भी बंदा यहाँ पे 7 दिन पहले से ऑनलाइन नहीं है गाइस, 7 दिन पहले वाले को आप लोग यहाँ पे कॉल बैक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे बंदे देख पा रहेंगे, ये 28 दिन से कई बंद किए हुए हैं, 30 दिन से कई बंद किए हुए हैं, ये सारे बंदे यहाँ पे खेल सकते हैं। मगर मैं इनको इनवाइट करूंगा तो भाई ये लोग आ सकते हैं भाई, और इनके साथ भाई मैं कॉल बैक कर सकता हूँ बिल्कुल ही इजिली। तो ये सिंपली छोटा सा काम है, इनको जरूर से कर लीजिएगा। एंड आपका जो भी फ्रेंड है फेसबुक फ्रेंड है तो भाई आप लोग उनको कॉल बैक कर सकते हो जो पहले फ्री फायर खेलता था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ दी जाती है कि किस बंदे ने यहाँ पे कब बंद किया है एंड कितने दिन हो चुके हैं इस बंदे को गेम बंद किए। आप लोग यहाँ पे चेकआउट करके उस बंदे से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जा करके फेसबुक में। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड और भी कोई दिक्कत रहे तो भाई मैं आपके लिए ज़रूर से यहाँ पे बैठा हुआ, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी और वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लेना। एंड एक और बात आपको बता दूं बलून ब्रस्ट के बारे में, तो गाइस पिछले वीडियो में तो नोटिफिकेशन ही नहीं गया इसलिए यहाँ पे अच्छे से कवर करके बता देता हूँ बलून ब्रस्ट के बारे में भी। ठीक है, तो गाइस अभी हम बलून ब्रस्ट को जो है ओपन कर लेते हैं, उसके बाद गाइस अपन को यहाँ पे डायमंड भी लगेंगे एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्री में भी मिलेंगी। तो गाइस अपन को ये मिशंस देख रहे होंगे, ये मिशंस आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। मिशंस कंप्लीट करने के बदले गाइस अपन को यहाँ पे एक बॉक्सेस मिलेंगे, मतलब एक स्पिन मिल जाएगा, उस स्पिन से गाइस अपन लोग जो बलून को है फोड़ते जाएंगे। यहाँ पे गाइस देखो, प्ले 3 क्लासिक और रैंक गेम अपन को खेलना है, उसके बदले अपन को एक टोकन यहाँ पे और मिल जाएगा, एंड सर्वाइव टेनमेंट करना है ये भी अपन को एक मिल जाएगा, एंड 5 खेल करने हैं क्लासिक या फिर रैंक में उसमें भी अपन को जो है मिल जाएगा, एंड प्ले 1 रैंकेड और क्लासिक गेम अवर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड के साथ भी खेलने पे ये मिल जाएगा, एंड 500 मीटर तो आप लोग इजीली कर ही लोगे। एंड अभी प्राइज लिस्ट आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस प्राइज लिस्ट देख लो, ये रही हमारी प्राइज लिस्ट। तो प्राइज लिस्ट तो काफ़ी अच्छी है, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको डायमंड भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गाइस। ठीक है,
तो यहाँ देखो ये जो आइटम है गाइस, जैसे हमारा डायमंड रॉयल वाउचर हो गया, एनडीए वाउचर होगा, तो गाइस इसमें आपको डायमंड से परचेस करना पड़ेगा। तो भाई जो फ्री के आइटम हो, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फ्री के आइटम ही सिर्फ आपको परचेस करने हैं, ठीक है। अगर आप लोग फ्री का नहीं करते हो तो आपके यहाँ पे डायमंड लग जाएंगे। तो ये मत सोचना कि सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे फ्री में मिलेंगी, दो चीज़ें अपन को यहाँ पे डायमंड में मिलने वाली हैं, जैसे कि होगा डायमंड रॉयल वाउचर एंड ये लूट बॉक्स। तो लूट बॉक्स भाई मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया है, तो इसको बिल्कुल भी निकालने की कोशिश मत करना। एंड बाकी जो आइटम है अपन को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएंगे, एंड डे बाय डे ये रिफ्रेश होता जाएगा। डे बाय डे आपको अलग अलग आइटम यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइस, तो डे बाय डे आप लोग इसको अलग अलग कर सकते हो, एंड 6 के 6 बॉक्सेस आप लोग यहाँ पे खोल सकते हो। तो काफ़ी खतरनाक ये इवेंट होने वाला है, तो इसको ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड कॉल बैक इवेंट भाई मैंने आपको दिखा दिया क्या कैसे है, सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है। तो और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेगा। एंड हाँ गाइस, मेरा काम ये रहता है भाई कि आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ, एंड मेरे हिसाब से गाइस मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है वो 100% करेक्ट है। एंड अगर कोई गलती हो गई होगी तो आप लोग कमेंट करके बता देना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना गाइस। एंड अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट करके बताना, एंड वीडियो को डिसलाइक भी करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। तो गाइस हाँ, आप सभी की एक और प्रॉब्लम थी जो कि आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। तो गाइस काफ़ी सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं भाई कि जो हमारे रीजनल बैटल के रिवॉर्ड थे वो हमें अभी तक नहीं मिले हैं। भाई कैसे मिलेंगे आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको जाना होगा भाई, रीजनल बैटल को ओपन करना होगा, उसी के बाद गाइस अपन को यहाँ पर रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं। यार बिना ओपन किए तो अपन को रिवॉर्ड क्लेम करने नहीं मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, मुझे यहाँ पे देख लो ये मिल चुका है, मुझे 5 क्यूपिड स्कार के बॉक्सेस मिल चुके हैं। एंड मेरा अगर इतना स्कोर हो जाता भाई तो मुझे नेम चेंज कार्ड यहाँ पे फ्री मिल जाता, एंड ब्लैक वाली ग्लू वॉल ये फ्री में मिल जाती, मुझे तो पहले ही मिल चुकी है, आपको भी मिल जाती। एंड अगर आपका स्कोर ज़्यादा था तो आपको यहाँ पे भाई टॉप 1 रैंक पे अगर आप लोग होते तो अपन को गाइस यहाँ पे टाइटन स्कार भी मिल जाता 30 दिनों के लिए। तो भाई जिसका जो रिवॉर्ड होगा उसके स्कोर के हिसाब से ही मिलता है, ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा किसी को कम ऐसा कुछ नहीं मिलता गाइस, जिसका जो स्कोर रहता है उसी के हिसाब से यहाँ पे मिलता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आपका जो भी स्कोर हो आप लोग उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे आके के जो है क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। एंड कई बंदों को टाइटन स्कार मिला भी होगा, कई को नहीं मिला होगा, तो अगली बार जब रीजनल बैटल आएगा तो आप लोग जरूर से कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अभी सीजन 3 चल रहा था, एंड सीजन 4 बहुत ही जल्द अपन को देखने को मिल जाएगा, उसका भी एक परमानेंट वीडियो आपको मैं बता दूंगा। एंड ये दिनों वाला बंडल जो गाइस ये भी अपन को जो है बिल्कुल ही यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, सिर्फ 30 दिनों के लिए, परमानेंट नहीं मिलता है गाइस, ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए टाइटन स्कार जो है बिल्कुल ही फ्री में मिलता है भाई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड हाँ, आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा, क्या गाइस मैं जो मेरे पास क्रिएट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं मैं उनको ओपन करके आप लोग को एक वीडियो बना करके दिखाऊं या फिर नहीं दिखाऊं, कमेंट करके बता देना। तो भाई मेरे पास तो यहाँ पर बहुत सारी क्रिएट्स यार, एंड बहुत सारे बंडल्स भी हैं जो मैंने अभी तक यहाँ पर ओपन वगैरह नहीं किए हैं। इलीट पास के सारे बंडल्स हैं, एंड 1-2 इवेंट वगैरह के बंडल हैं जो अभी तक मैंने ओपन नहीं किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। एंड हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना और फटाफट से। एंड ये रहा वो वाला M4A1 जो अपन को दिवाली इवेंट में यहाँ पे फ्री में मिलेगा। इसके एट्रीब्यूट्स गाइस बहुत ही ओपी हैं, सिंगल डैमेज मिलेगा, डबल रेट ऑफ फायर मिलेगा, एंड मैगजीन से तो कोई दिक्कत ही नहीं गाइस, क्योंकि भाई जब डबल रेट ऑफ फायर मिले और सिंगल डैमेज मिले तो भाई मैगजीन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार, तो काफ़ी अच्छा ये M4A1 है, इसी को निकालना जो भी निकालना चाहता है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।